नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 10 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पे। लोकसभा से विपक्षी दलों के सांसदों ने किया वॉकआउट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने की लोकसभा में नीट पर एक दिन चर्चा की मांग। छत्तीसगढ़ में हिंसा प्रभावित बालोद बाजार का दौरा करेंगे यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर। दिल्ली में घोषित हुए नीट यूजी री एग्जाम के नतीजे, नया स्कोर कार्ड जारी। पश्चिम बंगाल में एक हफ्ते में सामने आई भीड़ हिंसा और लीचिंग की 12 घटनाएं। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले में एनआईए की छापेमारी। लोनावला में डैम के लेक में डूबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 2 बच्चे अब भी लापता। पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए एमपी राजस्थान ने साइन किया एमओयू। आईसीसी ने घोषित की T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट, 11 प्लेयर्स में 6 भारतीय शामिल। देश में आज से लागू 3 नए क्रिमिनल लॉ, न्याय प्रणाली में होंगे अहम बदलाव। फिलहाल के लिए इन टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।